अब सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या लिखेंगी वो भी सुन लीजिए। सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्या समझते हैं, ये सेंटर इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंट काम करती है, करती होगी 20% 25% 50%, पर जहां पॉलिटिकल इंटरेस्ट सरकारों का होता है कोई उस मुताबिक चलती है। आज अगर पॉलिटिकल प्रेशर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर ना होता तो आज राजीव गांधी जिंदा होता, आज वो नारायणन जो एडवाइजर रहे प्राइम मिनिस्टर के 6 साल, आज गवर्नर है बंगाल के, राजीव गांधी के टाइम पे आईबी के चीफ थे। जब चंद्रशेखर ने कहा कि राजीव गांधी की सुरक्षा हटाओ, जब राजीव गांधी जी को इतना खतरा था उनको पंजाब के टेररिस्ट, उनको लंका के टेररिस्ट मार देंगे कश्मीर के, तो उनकी सुरक्षा हटाने में उन्होंने क्यों चंद्रशेखर गवर्नमेंट के आगे स्टैंड नहीं लिया कि मेरी नौकरी तो जाए, मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, मैं राजीव गांधी की सुरक्षा हटाने में सिग्नेचर नहीं करूंगा। और आज वो मौज ले रहे। तो सेंटर की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं अब उनसे ये लिखवाया जाएगा कि पंजाब के हालात बड़े नाजुक मोड़ पे जा चुके हैं, पंजाब के हालात बड़े नाजुक मोड़ पे जा चुके हैं, अगर यहां पे देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को फांसी होती है तो पंजाब के हालात दोबारा टेररिज्म आ जाएगा, खराब हो जाएंगे। जो सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट भेजेंगी, मैं अभी बता देता हूं इनका रोल क्या होता है। आप टेलीफोन पे आजादी पे बात नहीं कर सकते, 5 साल पहले पंजाब में बहुत होता था, अब अरोड़ा साहब के टाइम पे तो नहीं होता, अब तो ठीक हो गया, नहीं तो पहले तो आप भी कहते थे अरे वो सेक्रेटरिएट में टेलीफोन टेप हो रहा है, यही काम इनके रह गए। आपकी पर्सनल जिंदगियों में यही इनका काम रह गया, जो ऊंचा नीचा कैसे करना है। कौन लाया पंजाब के अंदर टेररिज्म, अपनी आंखों से बचपन में देखा, छोटा था, हरमंदर साहब सामने था। सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियां और पॉलिटिशियन पाड़ो और राज करो, क्या व्हाइट पेपर जारी होगा कि ये आज देवेंद्र पाल भुल्लर, इतना टेररिज्म, इतने दंगे, 36,000 लोग मारे गए, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ये आवाज उठाई कि पंजाब के लिए व्हाइट पेपर जारी हो कि पंजाब में टेररिज्म कौन लाया, पंजाब के अंदर जो टेररिज्म आया सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों का रोल क्या था, पंजाब के अंदर उस वक्त बड़े बड़े नेताओं का रोल क्या था, गुरुद्वारों में दखल अंदाजी क्यों की गई, क्या इसके ऊपर कभी व्हाइट पेपर जारी हुआ ना, पता है सब फंसेंगे इसमें।